नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं जिससे कि इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड हो जाए। इससे पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम करी थी कि हर एक जो फील्ड है वो एक इंटीग्रल डोमेन होती है, लेकिन एक इंटीग्रल डोमेन ज़रूरी नहीं है कि फील्ड हो। लेकिन आज के वीडियो में हम एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इंटीग्रल डोमेन के साथ अगर हम कुछ प्लस करते हैं, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करते हैं, तो वो फील्ड बन सकती है। तो वो एडिशन क्या है, वो ही थ्योरम है आज की। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट से, जो ये कहती है कि अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। इससे पहले कि मैं थ्योरम को इंट्रोड्यूस करूं, मैं सबसे पहले इस थ्योरम की आपको इम्पोर्टेंस बताती हूं। जब भी आपको किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को फील्ड प्रूफ करना होता है, तो आपने देखा है इसकी डेफिनेशन में कि आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज जो हैं उनको प्रूफ करते हुए इसको फील्ड प्रूफ करना होता है, और अगर इसमें से एक भी आपने मिस कर दिया और वो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो फील्ड नहीं रहेगी। लेकिन इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए फील्ड से कुछ कम कंडीशंस हैं। तो अगर आपके पास में एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और आपको उसको फील्ड प्रूफ करना होता है तो आप उसको हाफ ऑफ द वे क्रॉस कर लीजिए, यानी कि उसको कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ कर दीजिए। आप सबसे पहले तो उसको रिंग प्रूफ करेंगे। रिंग प्रूफ करने के बाद में आप उसको कॉम्यूटेटिविटी जो है उसकी वो चेक कर लीजिए। कॉम्यूटेटिविटी से मेरा मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में जब आप देखोगे कि वो अगर सेट फाइनाइट है, तब आगे की प्रॉपर्टीज आपको चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है। बस आपने ये चेक कर लिया कि वो एक इंटीग्रल डोमेन होने के बाद एक फाइनाइट सेट है, यानी कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो वो डेफिनेटली फील्ड बन रही है। आपको बाकी कोई भी फील्ड की प्रॉपर्टी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रूफ है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसकी मदद से क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फील्ड के स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आने वाले वीडियोज़ में भी मैं आपको बताऊँगी कि ये कंडीशन अगर इस चीज़ में ट्रू हो रही है तो वो फील्ड बन जाएगा, इस कंडीशन अगर इस सेट के अंदर ट्रू हो रही है तो वो फील्ड बन जाएगा। ये कंडीशन सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस करी गई है ताकि फील्ड के जो स्टेप्स हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। उनको प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर एक भी हमने मिस कर दिया और वो अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो जो सेट है वो फील्ड नहीं बन पाएगी। तो उन स्टेप्स को आसान करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए इन थ्योरम्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके प्रूफ से। Let R is equal to x1, x2 and so on xn be a finite integral domain. हमें क्या दे रखा है, एक सेट दे रखी है R जिसके अंदर एलिमेंट्स है x1, x2 to xn, और ये हमें दे रखा है कि ये एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। अब यहाँ पर देखिए, ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो है वो आपस में डिस्टिंक्ट है, सब एक दूसरे से अलग है, तभी हमने अलग अलग करके इनको लिखा हुआ है। टू प्रूव आर इज अ फील्ड, हमें प्रूफ ये करना है कि आर जो है वो फील्ड है। अब आर जो है अगर वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब कि हमारे पास में आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बन जाता है, आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये हमारे पास पे क्या बच जाता है, एक कॉम्प्यूटेटिव सेमी ग्रुप। इसी के साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो तो होल्ड करता ही है। अब बचा क्या इसको फील्ड प्रूफ करने के लिए, खाली दो चीजें। एक तो ये है कि यहां पर यूनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरा ये कि R का हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। खाली दो चीजें बच गई हैं फील्ड प्रूफ करने के लिए। नाउ इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट
Now it is sufficient to prove R has unity and every non-zero element of R is invertible. ये दो चीजें हमें यहां पर प्रूव करनी है. तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं R का. लेट नॉन जीरो A बिलोंग्स टू R, B एनी एलिमेंट. ऐसे ही हमने एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया है. हम कंसिडर करते हैं यहां पर ए आर, यानी कि आर के सभी एलिमेंट्स को हम लेफ्ट साइड से इस नॉन जीरो ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये किस तरह से हो जाएंगे, ए एक्स वन, ए एक्स टू, ए एक्स थ्री एंड सो ऑन ए एक्स एन. यहां पर हमारे पास में आर हमें क्या दे रखा था, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन. हम क्या कर रहे हैं, R के सभी एलिमेंट्स को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहां पर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, हियर वी आर प्री मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ R बाय A. यहां पर आप देखोगे कि ये सभी जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में डिस्टिंक्ट है. सपोज ये आपस में डिस्टिंक्ट नहीं है. सपोज ए एक्स आई इज इक्वल टू ए एक्स जे, जहां पर आई और जे बराबर नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो अब यहां पर अगर ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं और हमें पता है कि ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो बाय कैंसिलेशन लॉ हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स जे. यहां पर कैंसिलेशन लॉ कौन सा वाला है, जो हमने इंटीग्रल डोमेन के अंदर करा था. ये हमारी थी थ्योरम ऑन इंटीग्रल डोमेन, बाय थ्योरम ऑन इंटीग्रल डोमेन. ये थ्योरम मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी इंटीग्रल डोमेन होता है तो वहां पर इस तरह का कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है. तो हमारे पास में एक्स आई इज इक्वल टू एक्स जे आ गया. लेकिन हमने ये चीज तो पहले ही बताई थी कि आर के सभी एलिमेंट्स जो है वो आपस में डिस्टिंक्ट है. देयरफॉर एक्स आई जो है वो एक्स जे के कभी भी बराबर नहीं होगा. देयरफॉर ये वाला जो हमने एज्यूम करा था वो वाला गलत है, यानी ए एक्स आई कैन नॉट इक्वल टू ए एक्स जे फॉर ऑल आई एंड जे जो कि वन और एन के बीच में लाए करते हैं. हमारे पास में आई और जे जो है वो वन और एन, इन्हीं में से ही कोई हमने उठाए थे. तो इस तरह से हमारे पास में ए एक्स आई और ए एक्स जे जो है वो एक दूसरे से बराबर नहीं हो सकते, यानी कि ए आर के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है. देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट. और ये टोटल कितने हैं, वन टू अप टू एन, यानी कि हमारे पास में ऑर्डर ऑफ ए आर क्या है, एन. इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन. इसी के साथ साथ में आपको क्या पता है कि ए आर जो है वो आर के अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि ए आर के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ए एक्स वन, ए एक्स टू एंड सो ऑन ए एक्स एन. और ये जितने भी ए एक्स आईज जो है वो आर को बिलोंग करते हैं, तो ये आर के अंदर कंटेन करेगा. बट ऑर्डर ऑफ आर हमारे पास क्या है, वो भी एन है. तो सबसेट का और सेट का ऑर्डर अगर सेम है, इसका मतलब ये दोनों जो सेट्स है वो भी बराबर हो गई. देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए आर. तो हमारे पास में आर जो है वो ए आर के बराबर आ जाता है. अब हम कोई भी जो एलिमेंट लेंगे वो ए आर का सेलेक्ट करेंगे. इसके पीछे रीजन ये है, प्रूफ को आगे बढ़ाते हुए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी इसका जो यूनिटी है उसको सेलेक्ट करना.
तो हम यहां से एलिमेंट लेने की बजाय हम यहां से एलिमेंट जो है उसको पिक करेंगे. लेट आर बी एनी एलिमेंट ऑफ आर इज इक्वल टू ए आर. हम यहां से उठा रहे हैं, याद रखिएगा. देयरफॉर आर बिलोंग्स टू ए आर. इसका मतलब आर किस तरह की फॉर्म का होगा? आर इज इक्वल टू ए सब एक्स एल, जहां पर हमारे पास में एल जो है वो कहीं वन से एन के बीच में लाइन करेगा. फॉर सम एल, ठीक है. अब यहां पर एक और चीज है, ऑल्सो ए बिलोंग्स टू आर, विच इज इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए आर. तो हमारे पास में ए किस तरह का होगा? ए जो है वो भी इसी तरह का होगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स एल. फॉर सम एम बिलोंग्स टू जेड, वन लेस देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू एन. एम वन और एन के बीच में कहीं लाया करेगा. अब हम यहां पर कंसिडर करेंगे, नाउ कंसिडर ये जो एक्स एम है इसका प्रोडक्ट इस आर के साथ में, एक्स एम आर. अब ये क्या आ गया? आर की वैल्यू क्या है? ए एक्स एल, यहां से ये वाली. अब यहां पर आप देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाय एसोसिएटिव लॉ. इन तीनों स्टेप्स को मैं एक बार वापस से लिखती हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे आपको सब चीजें समझ में आ जाए, आपको कुछ भी मिसिंग ना लगे. हमने कंसिडर करा था एक्स एम आर विच इज इक्वल टू एक्स एम, और आर की वैल्यू थी हमारे पास पे ए एक्स एल बाय सॉरी एसोसिएटिव लॉ. ये इस तरह से आ गया था. अब यहाँ पर एक्स एम ए क्या है? आर जो है वो हमारे पास पे एक इंटीग्रल डोमेन है, तो वो कॉम्यूटेटिव होगा. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन. तो इंटीग्रल डोमेन होने के कारण वो कॉम्यूटेटिव हो गया है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स एम. और ए एक्स एम क्या है? ए, ये आ गया हमारे पास ए इंटू एक्स एल. तो हमें ए एक्स एल क्या है? आर. देयरफॉर एक्स एम आर इज इक्वल टू आर. यहां से हमें ये वाली वैल्यू मिल जाती है. हम एक्स एम आर इज इक्वल टू आर है, देयरफॉर आर एक्स एम जो है वो भी आर आ जाता है, क्योंकि आर जो है वो कॉम्यूटेटिव है, बिकॉज आर इज कॉम्यूटेटिव. Therefore हमें क्या मिल जाता है? Therefore एक्स एम आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर एक्स एम. और आर जो था वो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया था. नाउ आर वॉज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ आर, therefore एक्स एम आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर एक्स एम फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर. ये सभी आर के लिए ट्रू हो रहा है, यानी सभी आर के लिए एक एलिमेंट एक्स एम एक्सिस्ट ऐसा कर रहा है जिसको चाहे हम आर के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या फिर हम आर के राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, हमको आर ही मिलेगा. यानी कि एक्स एम जो है वो यहाँ पर यूनिटी हो रहा है. देयरफॉर हम इसको क्या लिख देंगे? राइट एक्स एम इज इक्वल टू वन. देयरफॉर वन इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू वन इज इक्वल टू आर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर. नाउ देयरफॉर वन बिलोंग्स टू आर बिकम्स द यूनिटी ऑफ आर. ये इस तरह से हमारे पास पे आर की यूनिटी बन जाती है. अब यूनिटी तो हो गई है, अब बात बचती है खाली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की. अब हम इसे यूनिटी से शुरू कर लेते हैं. नाउ वन बिलोंग्स टू आर विच इज इक्वल टू ए आर.
तो वन जो है वो ए आर को बिलोंग कर गया, तो वन किस तरह का हो गया, ए इंटू एक्स पी फॉर सम पी, जहां पी कहां लाई कर रहा है, वन और एन के बीच में, तो वन इज इक्वल टू ए एक्स पी आ जाता है। यानी a को जब हम xp से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रही है, यूनिटी। और r जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू ए एक्स पी इज इक्वल टू एक्स पी ए। अब हम इस xp को क्या ले लेते हैं, टेक xp इज इक्वल टू b, हमें क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 1। यानी कि इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए बी इंटू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या आ रहा है, 1। देयरफॉर बी इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अब बी जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। और यहां पर आपने जब थ्योरम की शुरुआत करी थी तभी आपने एक रैंडम एलिमेंट, एक आर्बिट्री एलिमेंट ए उठाया था, यानी कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है आर में। देयरफॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया प्रूव कर चुके हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देयरफॉर आर क्या हो जाता है, आर जो है वो एक फील्ड बन जाता है। अब यहाँ पर एक इंटीग्रल डोमेन था वो फील्ड बन रहा है, उसमें एडिशनल कंडीशन क्या थी कि वो जो इंटीग्रल डोमेन है वो फाइनाइट है, यानी उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यही अगर यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर दें, यानी ये फाइनाइट वाले क्राइटेरिया को हटा दें, इसको खाली एक इंटीग्रल डोमेन ही रहने दें, प्लस ये जो फाइनाइट वाला क्राइटेरिया है इसको आप हटा दीजिए, तो ये फील्ड बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल के लिए वही हमारे पास में जो पिछले थ्योरम में मैंने एग्जाम्पल दिया था, जेड प्लस डॉट। यहाँ पर देखिए सेट जेड ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन तो है, बट वो एक इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है जिसके कारण वो फील्ड नहीं बनता है। ये फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर वन एंड माइनस वन के अलावा किसी भी और एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन को फाइनाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फील्ड होने के लिए। तो इस तरह से ये वाली जो आज की हमारी थ्योरम है ये कंप्लीट होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि जब आपको फील्ड प्रूफ करना होगा किसी भी चीज़ को, और अगर आप इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वो एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो बस आप यही लाइन लिख दीजिए कि हाँ ये एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो ये फील्ड बन जाती है। और इसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ, तो इस थ्योरम को आप अच्छे से समझिएगा और इसके एक एक स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीच में कहीं से मैंने xn ले लिया है, xn ले लिया है, a ले लिया है, ये एलिमेंट्स को पिकिंग करा है जिस तरह से, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक बार नहीं दो तीन बार देखिएगा, थ्योरम को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह से आज का वीडियो जो है वो कम्प्लीट होता है। आने वाले वीडियोस में हम नई थ्योरी को और आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।